बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र के मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहे खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेलाद अल्लाह ताला उनको नेक नीला अता फरमाए। जिनके वालदैन फात पा गए अल्लाह ताला उनको जन्नत अल-फ़िरदौस में जगह अता फरमाए और जिनके वालदैन जिंदा अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी हमेशा से दुआ होती है अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को मुस्तकबिल में कामयाबियाँ अता फरमाए। तो व्यूअर, आज मैं किचन में और मैं एक स्पाइसी सी डिश बना रही हूँ। तो ये मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के डाल के उसको गर्म होने के रख दिया। तो ये साथ ही मैंने 5 मैगी ली है, तो उनको मैंने इस तरह से निकाल लिया। उनका यह मसाला वो भी मैंने लैदा से निकाल लिया। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पैन में पहले मैं प्याज लूँगी, इसमें मैं प्याज डालूँगी। तो ये मैंने थोड़ा सा प्याज लिया, ज़्यादा प्याज नहीं मिल रही, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो और 1 चम्मच मैं लूँगी, मैंने 1 चम्मच मैंने लहसुन का भी डाल लिया। तो अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद अब स्टेप पर चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये लहसुन मेरा फ्राई हो गया। अब मैंने 1 गाजर, 2 मैंने आलू लिए, वो मैंने इस तरह बरीक भी उतार लिए। तो ये मैं शामिल करके इसमें तो इसको थोड़ा सा पकाऊँगी, जैसे यार मेरे आलू गल जाते हैं और गाजरें, तो फिर इसमें दूसरी चीज़ें मैं शामिल करूँगी। पर ये जो मैगी मैंने साथ ही ये पतीली में पानी उबलने के लिए रख दिया, तो जैसे पानी में उबाल आता तो ये मैगी डाल के मैं तो इसको भी मैं बॉयल कर लेती हूँ। 5 गिलास मैंने पानी का डाला है, जैसे ही पानी में उबाल आता तो मैं इसको बॉयल करती हूँ। फिर उसके बाद फिर जो अगला प्रोसेस उसकी तरफ चलते हैं। तो ये आलू और गाजरों को मैंने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब ये मैंने बंद गोभी ली है, ये इसमें शामिल करेंगे। और ये जो मैगी का मसाला है ये आधा इसमें शामिल कर देंगे, आधा इसको मैं बचा के रख लूँगी। तो आप अपनी मर्जी सब्जियाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। तो ये मैंने मटर भी किया, उनको मैंने उबाला हुआ है पहले से ही, तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसको भी 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये इधर जो मैंने पानी रखा था उसमें उबाल आ गया, तो ये इसमें मैगी जो सारी शामिल कर देंगे। फिर सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से 5 मिनट तक भून लिया। तो ये 2 मैंने अंडे लिए, अब ये इसमें शामिल कर देंगे। तो भी बार आप देखें अभी से इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है और कलरफुल लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा जो सब्जियां हमने फ्राई की है। तो फिर ये अंडे डाल के मैंने अंडों को फ्राई कर लिया। तो अब जो ये जो मैगी मैंने उबाल के रखी थी इसको मैंने एक इसमें टोकरी में मैंने निकाल लिया था, तो ये इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और ये मैं आधा मसाला मैंने बचा के रखा था, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो फिर ये हमारी मज़ेदार सी मैगी बन के तैयार है, चाइनीज़ मैगी ये मैंने बनाई है। तो ये हमारी चाइनीज़ मैगी बन के तैयार है। अब इसके ऊपर सब्ज धनिया हम थोड़ा सा डालते हैं। और साथ ही हम बिरयानी पकाने लगे, ये मैंने घी को इसमें बना लिया। अब मैंने एक प्याज लिया, वो इसमें शामिल करेंगे। फ्राई करेंगे। तो प्याज मेरा फ्राई हो गया था और 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के उसको फ्राई कर लिया। तो अब ये मेरे पास 2 टमाटर है, ये इसमें शामिल करते हैं। तो मैंने टमाटर और साथ ही मैंने ये चिकन मैंने डाल दिया, 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का और 2 चम्मच मैंने नमक के डाल दिए। तो अब इसको फ्राई करते हैं। फिर मैंने जो चिकन उसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई करके उसमें मैंने पानी डाल दिया, पानी में उबाल आ गया। तो ये इसमें मैं चावल शामिल करती हूँ। तो जैसे ही मेरी बिरयानी बन के तैयार होती है फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये मेरी बिरयानी बन के तैयार। जब मैं इसको दम पे रखने लगी तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर पानी में मिला के तो इसके ऊपर मैंने डाल दिया था। तो ये है मेरी चाइनीज़ मैगी और ये मैंने साथ में रायता बनाया है।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हंसते रहो, मुस्कराते रहो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।